हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप सभी के लिए क्या लोटस प्रोफेशनल फेशियल गोल्ड सीन। मैं आप लोग से गोल्ड सीन लोटस का प्रोफेशनल फेशियल का रिव्यू शेयर कर रही हूँ एंड डेमो शेयर कर रही हूँ किस तरह से आप इस फेशियल किट को यूज़ करोगे। तो अलग से आपको मसाज क्रीम एंड आपको स्क्रब पर्चेस करना होगा। मैंने लोटस का ही पर्चेस किया है। प्योर वाइट हाइड्रावेटल में से आप कोई भी रेंज ले सकते हो। ये फेशियल किट जब आप परचेस करोगे ना, इसमें टोटल आपको रेडियंस जेल मिलता है, इस तरह का पील मास्क मिलता है, शीनम मिलता है एंड एक प्री ट्रीट जेल मिलता है एंड एक सीमर मास्क मिलता है। बेसिकली आप ऐसा समझो, इसमें आपको 2, 3, 4, 5 सेट मिलते हैं अलग अलग, ठीक है। एंड अलग से आपको 2 स्टेप और परचेस करने होंगे, जैसे कि आपको स्क्रबिंग एंड आपको परचेस करना होगा मसाज क्रीम, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। मैंने एक प्योर वाटर ला लिया, एक हाइड्रा वाटर, आपको जो सूटेबल लग रहा है ना आप वो ले सकते हो। वो तो मैंने जो मसाज क्रीम लिया है ना, वो मैंने ज़्यादातर नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाला लिया है क्योंकि वो सब पे चला जाता है। एंड स्क्रब मैंने जेल फॉर्म वाला लिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो ये फेशियल किट ना इनकम्प्लीट है विदाउट स्क्रब एंड विदाउट मसाज क्रीम, तो आपको वो दोनों अलग से लेना पड़ेगा। तो थोड़ा महंगा ये फेशियल किट है, बट इसमें आपको 6 फेशियल हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड क्लींजिंग भी आपको अलग से लगेगा। तो ये मैं क्लींजिंग मिल्क यूज़ कर रही हूँ, कोकोनट वाला, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। एंड मुझे डिटेन भी अपने क्लाइंट का करना था, तो मैंने रागा का डिटेन यूज़ किया है। सो जैसे कि हम कोई भी फेशियल करते हैं, तो मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया है, क्लींजिंग देन आपको करना है ब्लीच देन डिटेन। मीन्स अगर ब्लीच कर रहे हो तो डिटेन स्किप कर दो, अगर डिटेन कर रहे हो तो ब्लीच स्किप कर दो। तो क्लींजिंग का क्लिप मैंने ज़्यादा आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैं स्क्रब का स्टेप अच्छे से दिखा दूंगी। तो क्लींजिंग अच्छे से 2 मिनट हो जाने के बाद आपको अप्लाई करना है डिटेन पैक को। अगर आपके क्लाइंट डिटेन नहीं करवाना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, डिटेन आपको करना ही है। अगर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा टैनिंग है ना, तो आप डिटेन करके फेशियल करोगे ना और अच्छा रिजल्ट आता है। रागा की डिटेन के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपसे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर की है, तो आप चेक कर लीजिएगा। एंड गाइज, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये सब वीडियो कैसे लगते हैं। मैंने एक वीडियो और शूट किया है O3 प्रोफेशनल का, वो भी मैं जल्द से शेयर करूँगी। उसमें मैंने बहुत अमेजिंग स्टेप्स आपको बताया। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये स्क्रब एक्सफोलिएटिंग जेल। सो मैं मतलब बेसिकली दिखा रही थी कि मैं इसको यूज़ करूँगी आगे। तो डिटेन पैक को अप्लाई करना है आपको एंड 15 मिनट के लिए छोड़ देना है एंड देन मसाज करके वाइप ऑफ कर देना है। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। क्लींजिंग फर्स्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। नेक्स्ट अगर आप ब्लीच करो तो ब्लीच कर दो क्लाइंट का, डिटेन कर दो डिटेन कर दो, डिटेन अच्छे से वाइप ऑफ कर देना है 15 मिनट के बाद। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्क्रब निकालूँ, ये एक जेल स्क्रब है एंड नॉर्मल तो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, ऑल स्किन टाइप को मेरे ख्याल से चला जाएगा। तो इस तरह से आपको स्क्रब लेना है। सो अब आपको करना है स्क्रब। तो ये स्क्रब में ना, मतलब जैसे हम फेस वॉश करते हैं तो झाग निकलता है ना, कुछ उसी तरह का ये है। बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा, बहुत ही अमेजिंग वाला स्क्रब है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ ये वाला स्क्रब। सो इस तरह से अच्छे से आपको सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे से मसाज करना है। सो ये मेरी बुआ है जिन पे फेशियल हो रहा है, मैं तो इनकी ना एज हो चुकी है, मेच्योर स्किन है, तो ना हम थोड़े से हैवी स्ट्रोक देंगे। तो आप देख सकते हो फेशियल के स्टेप यहाँ पे कैसे हो रहे हैं, सर्कुलर मोशन में, नोज पे, फोरहेड पे, नेक पे, बैक पे, सबको सब कुछ आपको इंक्लूड करना है। तो अच्छे से यहाँ पे स्क्रब हो रहा है, आप देख सकते हो। स्क्रबिंग हो जाने के बाद आपको इसको वाइप ऑफ कर देना है। स्क्रब के स्टेप्स आप ध्यान से देखोगे तो आप सीख ही लोगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे गोल्ड सीन प्री ट्रीट जेल। सो इसको हमें तब तक मसाज करना जब तक कि ये अब्जॉर्ब ना हो जाए। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है। सो आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पे हो रहा है। आपको इसमें रिलैक्सेशन वाले स्टेप्स देने हैं ताकि क्लाइंट को रिलैक्स फील हो एकदम। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से एंड अपलिफ्टिंग, फिर इस तरह से लिफ्टिंग करना है आप लोगों को। इससे क्या होता है, क्लाइंट को जो रिंकल्स होती है वो फेड अवे हो जाते हैं, मतलब फेड हो जाता है। मैं भी ना टूटी फूटी इंग्लिश कभी कभी बोलती हूँ, सॉरी। तो इस तरह से आइस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, एकदम शोल्डर के पास प्रेशर देना है आप लोगों को। आप देख सकते हो कितने अच्छे से यहाँ पर मसाज हो रहा है। इस तरह से नेक से स्किन को उठाना है, जॉ लाइन पर मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से एंड ईयर के पास प्रेस करना है। इससे क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो एक और
मतलब सेकेंड एंड फोर्थ फिंगर की मदद से लिफ्टिंग करना है इस तरह से, एंड इस तरह से चिक्स को लिफ्ट करना है इस तरह से जनरल स्ट्रोक, फिर से आइस पे मसाज सर्कल मोशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नोज पे एम वाले स्टेप को कंप्लीट करना है इस तरह से, आइस के पास के रिंकल्स को लिफ्ट करना है। सो फेशियल करवाने से क्या फ़ायदा होता है, फेशियल करवाने से ये फ़ायदा होता है अगर आपकी स्किन में कोई भी ग्लो नहीं है तो ग्लो आएगा, साथ ही साथ ये भी फ़ायदा होता है अगर आपकी स्किन ना जैसे कि रिंकल्स वाली हो गई, ये बहुत ज़्यादा रिंकल्स आपको आ गए हैं तो आप फेशियल रेगुलर करवाओगे ना तो वो भी धीरे धीरे कम होगा एंड आप थोड़े यंग लगोगे। फेशियल करवाने से ये भी फ़ायदा होता है आपकी स्किन विद इन काइंड ऑफ ग्लो करती है, आप बिना मेकअप के भी रहते हो ना तो भी आपकी स्किन काफ़ी अच्छी लगती है, हाइड्रेटेड लगती है, मॉइस्चराइज लगती है एंड मतलब फ्रेश लगता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप फेशियल मंथ में एक बार ज़रूर करवाओ, बहुत मतलब अच्छा होता है। साथ ही साथ गाइज फेशियल जो हम पार्लर में क्लाइंट को करते हो ना करते हैं ना तो हम चार्ज इस वजह से लेते हैं कि हम मेहनत करते हैं। गाइज आप घर पर भी कर सकते हो ये वाला फेशियल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट अगर आप पार्लर जाके करवाओगे या फिर होता ना आप किसी से दूसरे से करवाओगे ना आपको अच्छा लगेगा, पैम्पर फील होगा तो एकदम मतलब होता है ना सूदिंग लगेगा एंड खुद को पैम्पर ज़रूर करना चाहिए गाइस, खुद से करो या दूसरे से करवाओ। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी अपना स्किन केयर ज़रूर करो एंड जैसे ही आप 30+ हो जाते हो तो फेशियल तो ज़रूर करवाओ एंड ये वाला फेशियल ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा और सारे कम्प्लेक्शन पे जाएगा, ऐसा नहीं कि ये मतलब होता है ना गोल्ड नाम है तो ये डस्की स्किन पे नहीं जाएगा, सब पे चला जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस प्रोफेशनल की यहाँ पे मसाज क्रीम, मैंने हाइड्रा वाइटल वाला यूज़ किया है, आप इसमें प्योर वाइटल आता है वो भी ले सकते हो। प्योर वाइटल बेसिकली यूज़ किया जाता है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, हाइड्रा वाइटल नॉर्मल टू ड्राई स्किन, बट ये मसाज क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है मतलब बहुत ही ज़्यादा एंड ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड भी होता है, फैलता भी बहुत है एंड इसका रिजल्ट ऑसम है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आप ब्राइडल है ना या फिर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे जैसे कि मेरी बुआ को है पिगमेंटेशन सब, तो ये फेशियल आप रेगुलर करवाओ, आपके फेस पे डेफिनेटली ग्लो आएगा एंड आपका पिगमेंटेशन भी गायब हो जाएगा। मैं कोई चीज़ ना एवे नहीं बोल रही हूँ या फिर मैं होता है ना ऐसा कुछ एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ अपने पार्लर का या कुछ भी, मैं एकदम ऑनेस्ट बता रही हूँ, आपको ये फेशियल ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा ग्लो देगा आपको। जैसे कि O3 हमें लगता है ना बहुत अच्छा होता है तो O3 के ही टक्कर का ये फेशियल है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले तो भी आपको बहुत अच्छे से ये सूट करेगा। सो अच्छे से अब आप यहाँ पे मसाज देखो, एकदम अच्छे से आपको करना है, एकदम प्रेशर देना है, अगर आप फेशियल में प्रेशर ही नहीं दोगे ना तो आपके फेशियल ग्लो ही नहीं आएगा एंड आपको मसाज कितनी देर करना है, मसाज 20 मिनट के लिए कीजिएगा ड्राई स्किन पे, तो मेरी बुआ की स्किन ड्राई है इस वजह से 20 से 25 मिनट यहाँ पे मसाज हुआ है। तो सारे स्टेप्स को आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको भी अच्छा लगेगा।
कैसा लगा आपको मसाज का स्टेप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सो गाइज मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि इतने अच्छे से यहाँ पे फेशियल हो रहा है तो क्या फ़र्ज़ बनता है आपका। लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो एंड कमेंट करो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। एंड गाइज आप देख सकते हो लास्ट जब स्टेप कंप्लीट होता है ना तो हम टैपिंग पिंचिंग करते हैं एंड वाइब्रेशन देते हैं एंड पोर्स को क्लोज करते हैं। इससे क्या होता है क्लाइंट को रिलैक्स फील होता है एंड सारे स्टेप्स बंद होते हैं। लास्ट में आपको स्टेप्स को बंद भी करना है, जैसे कि हम फेशियल करते हैं ना तो पोर्स हल्का खुल जाता है स्किन का, तो उस पोर्स को बंद करने के लिए आपको लास्ट में रिलैक्सेशन वाले स्टेप देने हैं। ईयर के पास प्रेशर इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आप देख सकते हो। सो ये सब आपको ज़रूर करना है, ये सब अगर नहीं करोगे ना तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। मैं तो हमेशा बोलूँगी फेशियल कर रहे हो क्लाइंट को रिलैक्स फील करवाओ, जितना रिलैक्स फील करवाओगे क्लाइंट दोबारा ज़रूर आएंगे। एंड अगर रिलैक्स ही नहीं फील करवाओगे तो क्लाइंट दोबारा क्यों आएंगे आपके पास। फेशियल में आपको रिलैक्सेशन फील करवाना है क्लाइंट को, बस यही टिप्स देना चाहती हूँ। डन, नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे रेडियंस जेल। सो इसको भी आपको कम से कम तब तक मसाज करना है फेस पे जब तक ये अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो जो भी स्टेप आपने मसाज क्रीम में दिए ना वही सारे स्टेप्स इसमें दे दो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से हो रहा है, इस तरह से आप देख सकते हो। थोड़े से हैवी स्ट्रोक दिए गए क्योंकि मेच्योर स्किन है, मैंने जैसे आप लोगों को बोला मेच्योर स्किन पे डेफिनेटली आप दे सकते हो। हम हल्का हल्का ईयर पे प्रेशर देते हैं इस तरह से कंप्लीट। नेक्स्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है गोल्ड सिन सिमर मास्क, इसको अप्लाई कर देना है आप लोगों को एंड इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, नेक्स्ट इसके बाद आप आराम से यूज़ कर लेना इसका एक और मास्क आता है वो। सो अच्छे से आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। सो अच्छे से हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको वाइप ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे इस तरह का सीट मास्क हमें आता है एंड सीरम में दोनों को मिक्स कर दीजिएगा, सीरम को एंड सीट मास्क को एंड 15 मिनट के लिए इसको भी छोड़ दीजिएगा। जो भी सीरम होगा वो फेस के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा एंड लास्ट में आपको वाइप ऑफ नहीं करना है वाटर से, आपको बस मसाज करके स्टेप्स को क्लोज करना है। सो यही था आज का वीडियो, आई थिंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो बड़ा सा लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, फ्री हो तो सब्सक्राइब करना एंड आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।